नमस्कार दोस्तों। तो आज हम समास शुरू करने वाले। तो सबसे पहले ये जाने समास होता क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, समास कहते किसे। समास यानी कि संक्षिप्त। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त रूप। जैसे एक वाक्य, यहाँ पे रेल पर चलने वाली गाड़ी, इसका संक्षिप्त में देखें तो पर चलने वाली गाड़ी को मैंने हटा दिया तो क्या बन गया, रेलगाड़ी। यानी कि रेल पर चलने वाली गाड़ी का संक्षिप्त रूप रेलगाड़ी, इसे ही समास कहते हैं। समास यानी कि वर्णों का मेल, वर्णों का मेल यानी कि समास। तो सबसे पहले हम देखते हैं द्विगु समास। द्विगु में आप देख सकते हैं सबसे पहला शब्द जो है वो है द्वि। द्वि माने दो, और दो क्या है, एक संख्या है। तो यानी कि इस समास में जो प्रथम शब्द है वो क्या होगा, संख्यावाची, जिसमें किसी एक समूह की बात की जाएगी। उस संख्या में अगर समास विग्रह करने पर समूह की बात होगी। देख लेते हैं उदाहरण, नवरात्र यानी कि नौ रातों का समूह है, तो इसमें द्विगु हो जाएगा। पंचतंत्र, पांच तंत्रों का समूह है। त्रिभुवन, तीन भवनों का समूह है। त्रिकाल, तीन कालों का समूह है। नवरत्न, नौ रत्नों का समूह है। सतरंग, सात रंगों का समूह है। नवग्रह, नौ ग्रह को का समय समूह है। सतसही यानी सात सही का समय समूह है। सप्ताह, सात दिनों का समूह है। अठनी, सप्तऋषि, अष्टभुज, त्रिलोक, त्रिकोण, बहुमासा, तिरंगा, त्रिफेला, त्रिनेत्री आदि कुछ उदाहरण हैं ये जो बहुत बार पूछे गए हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो द्विगु आपको समझ में आ गया होगा, इसके नाम से आप निकाल सकते हैं कि कौन सा है ये समास। द्विगु में पहला शब्द द्वि है, यानी कि जो संख्यावाची, यानी पहला शब्द जो है इसमें संख्यावाची आएगा। इन सब में आप देख सकते हैं संख्यावाची। फिर देखते हैं हम द्विंदु समास। द्विंदु में आप देख सकते हैं द्व, द और द, फिर व और व, यानी कि बीच में और आएगा, व और व, द्वंद्व, द्व और द्व, ठीक है। तो समास विग्रह करने पर क्या आएगा, बीच में और आएगा। इसके नाम से आप पता कर सकते हैं द्व और द्व है तो ठीक है। इसके भी कुछ भाग होते हैं जैसे इतरे, तर, ये बहुत बार पूछे नहीं जाते हैं बिल्कुल भी कि इसके भाग बताओ, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं एक बार ऐसे। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले इतरेतर द्विंदु समास। तो माँ बाप, माँ और बाप, बीच में और आए ना, तो स्त्री और पुरुष, राधा और कृष्ण, पचपन, पाँच सॉरी पचास और पाँच। पचपन में आप कह सकते हैं कि द्विगु समास होगा, लेकिन यहाँ पे द्विंदु भी हो सकता, क्यों, पचास और पाँच, पचपन, इकतीस, तीस और एक, पशु और पक्षी, बेटा और बेटी, दूध और रोटी, ऋषि और मुनि, माता और पिता, मेल और मिलाप, गाय और बैल, सीता और राम, तन और मन और धन। इसमें ये तीन शब्द आए, तीन शब्द भी आ सकते। इसके बाद आता है समाहार द्विंदु। द्विंदु का दूसरा भाग समाहार, हाथ और पांव, कीड़ा और मकोड़ा। अब तो सिर्फ द्विंदु याद रखने हैं, बीच में और आएगा, ये कुछ नहीं समाहार इतर इतर कुछ। हाथ और पांव, कीड़ा और मकोड़ा, बहू और बेटी, मिठाई सिठाई, मिठाई और सिठाई, बहुत बार हम कहते सुनते होंगे आपने, मिठाई सिठाई, चाय वाय, तो बीच में और मिठाई और सिठाई, यानी कि और कुछ भी आपको चाहिए, और कुछ चाहिए था इसमें। यानी समाहार तत्पुरुष में जो है, सॉरी द्वंद्व में कुछ और, सिर्फ जितना कह रहे हैं उतना ही नहीं, और भी कुछ, जैसे है यहाँ पे मिठाई सिटे, यानी सिर्फ मिठाई से तात्पर्य नहीं है, कुछ और भी मिठाई सिटे, यानी मिठाई और कुछ अलग। जैसे हाथ पांव, कोई कहता है हाथ पांव सलामत रखना, तो सिर्फ हाथ पांव का ही थोड़ी कह रहा है, पूरे शरीर का ले, कहने में सिर्फ हाथ पांव। फिर भूत प्रेत, सिर्फ भूत प्रेत का थोड़ी ना कह रहे हैं, सब कह रहे हैं भूत प्रेत वगैरह वगैरह, सांप बिच्छू कीड़ा मकोड़ा के साथ में कह रहे हैं, सात सांप बिच्छू, गोला बारूद, बाल और बच्चा, चाय पानी, चाय वाय। फिर वैकल्पिक द्विंदु। वैकल्पिक नाम से आपको पता चल रहा है, समाहार में नाम से पता चल, जिसमें कुछ और समाया हुआ है, वैकल्पिक यानी कि जिसमें और कुछ विकल्प हो, कुछ और विकल्प, यानी कि विकल्प यानी कि बीच में क्या लगेगा, या लगेगा। तो जैसे पाप
पुण्य, पाप या पुण्य, थोड़ा या बहुत, इसमें पूछा जा रहा है थोड़ा या बहुत, सुख या दुख, भला या बुरा, हानि या लाभ, आज या कल, इस तरह। तो बाद में आता है हमारे कर्मधारय समास। कर्मधारय में आप देख सकते हैं पहले कर्म, फिर क्या है धारे, धारे यानी कि धारण करना, क्या धारण करना, कर्म, कर्म माने काम करना। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरा कर्म है, यानी कि विशेषता को धारण करना। कर्मधारय समास का अर्थ क्या हुआ, विशेषता को धारण करना, इसमें किसी की विशेषता बताई जाएगी। तो उदाहरण देखते हैं, जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, खड़ी बोली, खड़ी है जो बोली, महाजन, महान है जो जन, काला पानी, काला है जो पानी, महादेव, महान है जो देव। इस आप समास विग्रह से कोई भी समास लगा सकते हैं, समास विग्रह पर ही डिपेंड करता है कि कौन सा समास होगा उस पर। सुपुत्र यानी कि शुभ है जो पुत्र, कुपुत्र बुरा है जो पुत्र, मोटा ताजा, नील गाय, नीली है जो गाय, बड़ा घर, बड़ा है जो घर, भला मानत, काली मिर्च, महासागर, मंद बुद्धि, लाल कुर्ती, जवान मर्द, जवान है जो मर्द, महाराजा पीताम्बर, सुंदर लाल, सुंदर है जो लाल, उड़न स्त्री का पुरुष, महावीर। तो इस तरह ये पार्ट वन था। पार्ट टू के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।